वरकातुहु रब्बी शराह ली सदरी वयस्सर ली अमरी वाहलुल मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। चैप्टर 14 का जो तीसरा लेक्चर है वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के ऊपर, यानी कि इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का क्या रोल होता है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है ना। तो उसमें आप जानते हैं पिगमेंट्स में कौन कौन क्या क्या आते हैं। एक आता है आपका हीमोग्लोबिन। इसे पिगमेंट क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज आप जानते हो कि हीम जो है ना इसे आयरन कहा जाता है, और ग्लोबिन को क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। तो होता क्या है, हमारे ब्लड का जो रंग है, कलर जो है वो रेड क्यों है, वो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से है। आपने देखा होगा जो कि उनके पास इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, ब्लड होता ही इनके पास, इनके पास ब्लड होता ही नहीं है। क्या होता है, एक हीमोसील कैविटी होती है जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, एक तरफ फ्लूइड मौजूद होता है, इसे हम नाम देते हैं हीमोलिम्फ का, आगे आगे आप पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि अब ब्लड को रंग दे रहा है, कलर दे रहा है, तो इसका रोल क्या होता है। आप जानते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि एक नॉर्मल आरबीसी है, ये इस नॉर्मल आरबीसी के पास क्या मौजूद होंगे, इस तरह से कंटेमिनेटेड क्या मौजूद है, हीमोग्लोबिन मौजूद है। क्या मौजूद है, हीमोग्लोबिन के कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो होता क्या है, वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होते हैं। किसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होते हैं। तो एग्जांपल दी हुई है कि हमारी बॉडी में अगर पिगमेंटेशन हो रही है, यानी हमारी बॉडी में अगर रंग मौजूद है ब्लड के अंदर, तो वो किस वजह से होता है, वह हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। बिकॉज आप जानते हो कि एक जो हीम का मॉलिक्यूल है, जो एक जो हीम का पार्ट है, वो चार एटम ऑक्सीजन के बाइंड करता है अपने साथ, या मॉलिक्यूल कह लो या एटम कह लो, अपने साथ चार एटम या कम से कम चार एटम या मॉलिक्यूल क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन के बाइंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो पार्ट है रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन अगर आप बात करते हो, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, अगर हम बात करते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो उसमें ऐसा नहीं होता, बल्कि उसमें क्या होगा, आपके पास जो हीम पार्ट होगा ना, हीमोग्लोबिन का पार्ट, ये ना होने के बराबर होगा, जिससे क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाएगा, रंग को कैरी नहीं कर पाएगा। तो आपकी बॉडी में दो टाइप का ब्लड मौजूद है कॉम्पोजिशन के हिसाब से, ब्लड तो पूरा एक ही है, लेकिन अगर बात की जाए केमिकल कॉम्पोजिशन तो दो टाइप का है ना, एक तो डी ऑक्सीजनेटेड और एक वाला ऑक्सीजनेटेड। तो आप जानते हैं कि पास रेड रंग होता है, कि पास थोड़ा सा मैरून सा रंग होता है, थोड़ा सा पर्पल टाइप का रंग होता है, ब्लूइश ब्लूइश सा कह लो आप, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बात करते हो इसकी कौन सी वाले की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो उसके पास वो लाल सुर्ख होता है रंग ब्लड का, ऐसे ही है ना। जिस ब्लड के कॉम्पोनेंट के पास हीमोग्लोबिन होगा ज़्यादा होगा, वो ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन अगर इसके पास कम, उसका रंग थोड़ा सा हल्का है, लाल नहीं है ज़्यादा, मैरून है, तो उसके पास क्या मौजूद है, वो ब्लड कहलाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके पास क्या कम होगा, हीमोग्लोबिन की तादाद कम होगी, क्वांटिटी कम होगी। आई बात समझ ना। अगर ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ना हो हमारी बॉडी में, अगर हीमोग्लोबिन ना हो, तो कभी भी हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो इसी तरह कैरी नहीं हो सकती, सही तरह ऑक्सीजन कैरी नहीं हो सकती। जब ऑक्सीजन ही सही तरह कैरी नहीं होगी, तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन है वो भी नहीं हो पाएगी, यानी कि ग्लूकोज को भी ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। तो उसकी वजह क्या होती है, इस हीमोग्लोबिन की वजह ये होती है, ताकि किसका लिया जाए, ऑक्सीजन को कैरी किया जाए, और कैरी करने के बाद उस पर रेस्पिरेशन करवाई जाए एट द लेवल ऑफ सेल, सेल के लेवल पे क्या करवाई जाए, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाई जाए, जिसको हम नाम देते हैं क्रैब साइकिल का, सिट्रिक एसिड साइकिल का, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का, जिससे क्या हो रहा होता है, 6 कार्बन वाले ग्लूकोज से 3 कार्बन वाला कंपाउंड या शुगर बन रही होती है, ऐसे ही है। आई बात समझ यहाँ तक, तो ये सेल के लेवल पर मौजूद है, बिकॉज आप जानते हो वही ब्लड जाएगा ऑर्गन के पास, ऑर्गन बने पूरे सेल से हैं, ऐसे ही है ना। और जाहिर सी बात है, सेल में अगर ब्लड जा रहा है तो वहाँ क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी। तो अगर ये चीज़ ना हो, तो फिर हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन भी नहीं होगी, ग्लूकोज भी नहीं टूट सकता। तो इसका ये रोल होता है, अगर हमारी बॉडी में ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना हो, तो क्या होगी, हमारी बॉडी में नीली पड़ना स्टार्ट हो जाएगी हमारी बॉडी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर, क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक टर्म लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर,
जिसे हम नाम देते हैं मायोग्लोबिन का या मायो हीमोग्लोबिन का। अगर हीमोग्लोबिन के साथ कोई एक ऑक्सीजन का पार्ट जुड़ा हुआ है तो उसे हम नाम देंगे मायो हीमोग्लोबिन का या मायोग्लोबिन का, ठीक है। देन आप आ जाए आपकी बुक में एक और टॉपिक है साइनसिस का। नाउ व्हाट आर साइनसिस? ये होती हैं एयर फिल्ड स्पेसिस। क्या होती हैं ये? एयर फिल्ड स्पेसिस होती हैं, इसको हम नाम देते हैं होलो रीजन्स का, जो कि पाई जा रही होती हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में। लेकिन कहाँ पर? इन्हें कहा जाता है कि ये बॉडी के रेस्पायरेटरी सरफेस की अपर साइड पे पाई जाती हैं। यानी कि हमारा जो पूरा रेस्पायरेटरी सिस्टम है, इसके दो पार्ट आप ले लो, एक तो अपर साइड एक तो लोअर साइड। अपर साइड में आपके पास क्या आती है? पूरा मुंह का एरिया। और लोअर साइड में क्या आता है आपका? आपके लंग्स वाला एरिया। तो हम बात करेंगे किसकी? अपर रेस्पायरेटरी सरफेस वाले साइनसिस की, उनके पाई वहीं जाते हैं ये। तो ये चार टाइप के होते हैं साइनसिस। पहला होता है फोर हेड साइनसिस। कहाँ पाया जाता है ये? फाउंड इन दी फोर हेड रीजन। फोर हेड मतलब सर का रीजन, ठीक है ना, ये माथे वाला रीजन। तो यहाँ पाया जाते हैं, मैंने बनाया भी ये, ठीक है ना। इस एरिया में पाया जाएगा आपके पास क्या? फोर हेड साइनसिस। आई बात समझ? ये पूरा जो इतना हिस्सा होता है यहां से लेके यहां तक ही कवर कर रहा होता है, इतना हिस्सा। ठीक है। देन दूसरा है मैक्सिलरी साइनसिस। मैक्सिलरी का मतलब होता है ये मैंडिबल बोन, या एक मैक्सिलरी बोन होती है हमारी, नीचे पाई जाती है यहां पर जबड़े के साइड पे, ठीक है ना, बिल्कुल गालों के पीछे चीक्स होती हैं हमारी। जो ये चीक्स मौजूद हैं, गाल मौजूद हैं, इन गालों के पीछे पाए जाते हैं ये साइनसिस। तो इन्हें हम नाम देते हैं मैक्सिलरी साइनसिस का। तीसरे नंबर पे आती हैं थायमॉइड साइनसिस। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आइस की बीच में पाई जाती हैं, यानी कि आइस का रीजन है, इसके बिल्कुल बीच रीजन में, यानी कि नोज़ के रीजन में पाई जा रही होती हैं, नोज़ और लिप्स के रीजन में पाई जा रही होती हैं। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? थायमॉइड साइनसिस का। आखिरी वाली है जिनको हम नाम देते हैं स्फीनॉइड साइनसिस का। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये बिटवीन या डीपर रीजन में पाई जाती हैं, किसके? इसी इथमोइड साइनसिस के। यानी कि क्या होता है, जो अगर इथमोइड साइनसिस वाला ये वाला हिस्सा है, इसके बिल्कुल पीछे पाई जाएंगी, कौन सी वाली? इथमोइड साइनसिस। ये कैविटीज हैं, होलो कैविटीज हैं, इनमें कुछ नहीं होता, ये होलो कैविटीज होती हैं। तो ये डायग्राम भी बनाइए, इससे आप देख सकते हैं मैक्सिलरी फ्रंटल या इथमोइड साइनसिस को आप आसानी से विजिबल कर सकते। तो डायग्राम बनाइए, इसमें आप देख सकते हो तमाम के तमाम साइनस की टाइप्स को। इसके बाद आप आ जाओ रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर, डिसऑर्डर के ऊपर। हम बात करेंगे अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, और उसके बाद कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। तो उनमें से एक ही नाम है, उसका नाम है साइनसाइटस। साइनसाइटस डिसऑर्डर ये, ठीक है ना। एक होता क्या है कि जो भी आपके पास साइनसिस होते हैं ना, उन एरियाज में या उन होलो स्पेसिस के अंदर एक फ्लूड भरना स्टार्ट होता है। क्या होता है? एक फ्लूड भरना स्टार्ट हो जाता है, इसे हम नाम देते हैं साइनसाइटस का। अच्छा, इनमें होता क्या है, इसकी वजह क्या होती है, कॉज क्या होता है इसका? जिसकी कॉजेज हम हैं कॉमन कोल्ड, यानी कि नज़ला जुकाम वगैरह जिसको हम कहते हैं। होता क्या है, स्मॉल लाइनिंग शो होती है ग्रोथ नोज़ में। आपके नोज़ के अंदर कुछ लाइनिंग पाई जाती हैं, उन लाइनिंग्स में क्या होती है, स्पेशल ग्रोथ होती है। दूसरी चीज़, तीसरा ऐसा क्या है, पैरानेजल पार्ट्स ऑफ द नोज़। अब होता क्या, जो पैरानेजल पार्ट्स होते हैं नोज़ की, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, विजिबल हो जाना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि क्या होता है, जो नाक का एरिया होता है ना, ये इसको जो ये रीजन कहलाता है साइड के रीजन्स, इन्हें हम नाम देते हैं पैरानेजल साइनसिस का। तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, फूलना स्टार्ट हो जाती है नाक। और चौथा इसका है नेजल सेप्टम। हमारी जो नाक के बीच में जो ना एक अगर दीवार पाई जा रही है, यानी कि एक स्पेस पाई जा रही है, जगह पाई जा रही है, इसे आप नाम देते हो नेजल सेप्टम का। ये डेविएट होना स्टार्ट हो जाती है। डेविएट का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन वगैरह जो पाई जा रही है नोज़ के अंदर, जो एक डेविएशन है पूरी सेप्टम है उसमें डेविएशन पैदा होती है। जो सेपरेशन है इसमें क्या पैदा हो जाती है, रुकावट पैदा हो जाती है, यानी कि नाक का ज़्यादा बंद हो जाना कह लो आप। तो नाक का ज़्यादा बंद हो जाना भी क्या होता है, ये भी इस साइनसाइटस में आता है। तो ये कुछ कॉमन इसके रीजंस होते हैं। अच्छा, इसे लगता कैसे पता कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, अलामत वो क्या है? इसके अलामत क्या होंगे कि आपके जो बलगम वदूद होते हैं बढ़ जाते हैं, यानी कि इन एयर फिल्ड स्पेसिस के अंदर क्या होता है, फ्लूड बढ़ना स्टार्ट होता है, गाढ़ा फ्लूड, जो कि बलगम की टाइप का होता है कह लो आप, ठीक है ना। तो अगर ये बलगम बढ़ना, म्यूकस बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होता है उससे, साइनसाइटस यानी कि अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की अलामत है ये भी। इसके अलावा और भी अलामतें हैं इसकी, जो कि इंशाल्लाह बाकी अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे।